दोस्तों, हमारे ओला के स्कूटर में हमें एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके ज़रिए हम अपनी जो रेंज है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट से बढ़ जाती है। तो MOVOS 3.0 के बाद हमें ऑप्शन मिली है कि हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो तरीका है काम करने का, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सिटी में ड्राइव करें तो आपको कोई और मोड यूज़ करना चाहिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, एंड अगर आप हाईवे पे चले तो कोई और आपको चूज़ करना चाहिए जो अवेलेबल है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी रेंज से दुखी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को कंसीडर कीजिएगा, हो सकता है कि आपका जो रेंज है वो बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। तो होम स्क्रीन पर आकर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर स्वैप करेंगे। तो उसके बाद हम सेटिंग्स पर जाएंगे, ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। ऑल सेटिंग में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे राइडिंग में। यहाँ पर लिखा है न्यू, यहाँ पर ऑप्शन है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, चार्ज द स्कूटर बैटरी वाइल स्लोइंग डाउन टू गेट मोर रेंज, ट्विस्ट द थ्रॉटल इन द रिवर्स टू गेट फोर्स्ड। आपको पता ही होगा कि हम ऐसे करते हैं तो रेस जाती है, ऐसे करते हैं तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ होता है जो स्कूटर को स्लो डाउन करने के काम आता है एंड साथ में बैटरी को चार्ज करता है। अब बैटरी को चार्ज करने के भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो है, यहाँ पर लिखा हुआ है लो, लो में होता है क्या कि स्कूटर स्लोज डाउन ग्रेजुअली ऑन रिलीजिंग द थ्रॉटल टू प्रोवाइड मिनिमम रीजन, ठीक है। तो उसके बाद आता है डिफॉल्ट, स्कूटर स्लोज डाउन क्विकर ऑन रिलीजिंग द थ्रॉटल फॉर इंक्रीज रीजन, एंड हाई में लिखा हुआ है स्कूटर स्लो डाउन मच क्विकर। तो दोस्तों, अगर आप हाईवे पे चलते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप लो यूज़ कीजिए, क्योंकि जितनी बैटरी की पावर आप यूज़ कर रहे हैं एंड उसको स्लो डाउन करने के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो उतनी पावर नहीं आपको मिलती जितनी आपने यूज़ कर ली है। तो इसकी अभी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप सपोज कीजिए कि 100 आपने यूज़ किया है एंड रीजन यूज़ करने के बाद आपको फिर से 100 पावर मिल रही है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको कंसीडर करवा रहा हूं। सो अगर हाईवे पे आप चल रहे हो जहाँ अच्छे खासे रास्तों पे चल रहे हो जहाँ पर ट्रैफिक कम है तो आप लो पर यूज़ कीजिए। इससे होता क्या है कि आपको सामने आने वाली ट्रैफिक के पहले पता लग जाता है कि आपने स्कूटर को स्लो डाउन करना है एंड आप थ्रॉटल को रिलीज़ कर सकते हो। अगर जल्दी रोकना है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो एंड ब्रेक्स तो हैं ही हैं। उसके बाद अगर सिटी में आप राइड करते हो तो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कीजिए सो दैट कि आपको ब्रेकिंग पावर भी अच्छी मिले रीजन के थ्रू एंड आपको ब्रेक्स भी ना यूज़ करनी पड़े, क्योंकि आप अगर आप ब्रेक्स यूज़ करेंगे तो पहले भगा लेंगे फिर ब्रेक्स का यूज़ करेंगे तो आपके ब्रेक पैड भी ख़राब होंगे, बाद में रेंज भी इफेक्ट होती है। एंड हाई का मैं आपको कहूँगा यूज़ तभी कीजिए जब आप डाउन हिल आ रहे हैं। सपोज कीजिए आप कोई पहाड़ी वगैरह से नीचे आ रहे हो या कोई और एलिवेशन से नीचे आ रहे हो। आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दे के दूँ कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग से भी आपकी जो रेंज है उसको फ़र्क पड़ेगा। एंड कई हमारे दोस्त कहते हैं कि हमें कम मिल रही है, हो सकता है कि उन्होंने इनमें से कोई और मोड यूज़ किया हो, ये कंसीडर करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती रहती है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन।